साथियों, शिक्षकों की टैबलेट क्रय की प्रक्रिया पर शिक्षकों के खाते में राशि अंतरित करने के संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र ने आज काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। आप देख सकते हैं इसमें जो किस तरीके से शिक्षकों के खाते में राशि अंतरित की जानी है उसके संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि हम इसमें बिंदु क्रमांक एक की बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक साथी टैबलेट प्रतिपूर्ति का विकल्प एक से अधिक बार संशोधित कर सकते हैं, लेकिन विकासखंड स्तर पर यदि कोई कार्रवाई हो जाएगी, यानी कि जो वो रिक्वेस्ट भेजेंगे यदि विकासखंड स्तर से अप्रूव हो जाएगी उसके बाद प्रतिपूर्ति के विकल्प में सुधार नहीं होगा। पॉइंट क्रमांक दो में यदि हम देखें तो विकासखंड स्तर पर समिति द्वारा क्रय किए गए टैबलेट की जो प्रतिपूर्ति है वह अमान्य करने की स्थिति में शिक्षक अधिकतम दो बार प्रतिपूर्ति का विकल्प पुनः भर सकते हैं, यानी कि संशोधन का काम कर सकते हैं। बिंदु क्रमांक तीन यदि हम इसका देखें तो शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के माध्यम से ही प्रतिपूर्ति का आवेदन किया जाएगा, यानी कि जो टैबलेट शिक्षक ने क्रय किया है उसी टैबलेट से टैबलेट प्रतिपूर्ति की जो जानकारी है वह सबमिट की जानी है। अब हम पॉइंट क्रमांक चार की बात करें तो इसमें विकासखंड स्तर पर जो समिति होगी उसमें विकासखंड सोच समन्वयक, विकासखंड MIS कोऑर्डिनेटर एवं विकासखंड ई गवर्नेंस प्रबंधन की समिति द्वारा शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को सीधे भुगतान की अनुशंसा की जाएगी। विकासखंड की समिति प्रतिपूर्ति की अनुशंसा का प्रारूप टैबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि कोई समिति जो समिति है भाई आपके टैबलेट की प्रतिपूर्ति को अप्रूव कर देगी तो आप उसकी जो प्रारूप है उसे मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। उक्त समिति के तीनों सदस्य अनुशंसा अंकित करेंगे तथा अनुशंसा पर हस्ताक्षर करके टैबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है। इसमें पॉइंट क्रमांक सात में पुनः स्पष्ट किया गया है कि समिति द्वारा टैबलेट प्रतिपूर्ति की जो अनुशंसा है, यानी कि जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है, यदि उसे समिति अमान्य करती है तो आपको मैसेज भेजकर इसकी सूचना दी जाएगी और संबंधित शिक्षक साथी अधिकतम दो बार टैबलेट प्रतिपूर्ति का विकल्प भर सकेंगे। वहीं यदि पॉइंट क्रमांक एट की बात करें तो इसमें स्पष्ट है कि यदि शिक्षक ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार टैबलेट क्रय किया है तो जो राशि निर्धारित है अधिकतम 10,000 रुपये शिक्षक के वेतन खाते में डाली जाएगी। वहीं पॉइंट क्रमांक नौ की बात करें तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि विकासखंड स्तर पर टैबलेट सत्यापन हेतु यूज़र मैनुअल संलग्न है। विकासखंड स्तर से अभी तक शिक्षकों द्वारा क्रय किए गए टैबलेट का सत्यापन दिनांक 28/2/23 तक पूर्ण किया जावे, यानी कि अब राज्य शिक्षा केंद्र ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र टैबलेट की जो राशि है उसके भुगतान के संदर्भ में जारी किया है और शिक्षक साथी इस चीज़ को लेकर लगातार प्रश्न भी कर रहे थे। तो ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने जानकारी त्रुटिपूर्ण दर्ज की है अब वह विकासखंड स्तर से रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पर अपनी जानकारी में सुधार कर पाएंगे और अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने टैबलेट क्रय कर लिया है उनका सत्यापन 28/2/23 तक पूर्ण करने के निर्देश पत्र में दिए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है। उम्मीद है शिक्षक साथियों को जानकारी पसंद आई होगी। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुँचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।